तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। वायुसेना और एयर इंडिया के विमानों से लगातार काबुल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आज काबुल से 3 विमानों के जरिए 390 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत के काबुल मिशन से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब विमान से ये यात्री उतर रहे थे एक राहत भरी मुस्कान के साथ। तो आज तकरीबन 390 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाया गया और ये हिंडन एयरबेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए 3 तस्वीरें अब आपके सामने। काबुल से 168 लोग जब आज C-17 ग्लोब मास्टर विमान में सवार होकर पहुंचे भारत, दोहा से 135 लोगों को लाया गया है, तो वहीं दुशांबे से 87 लोग भारत पहुंचे। कुल मिलाकर आज 390 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाया गया है और लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर हो चले हैं। दूसरे देशों के ही नहीं बल्कि अफगानी नागरिक भी किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात के बारे में बताया। हमारे साथ नवीन ठाकुर हैं, जो कि डेनमार्क एम्बेसी में काम करते थे और वहां से ये यहां बचकर आए हैं। क्या, कैसे आपका वहां से यहां तक का सफर कैसा रहा? सबसे खतरनाक पल क्या था, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? सबसे खतरनाक पल था जब हम पब्लिक के अंदर थे, 20-30 हज़ार की पब्लिक थी, हमें अंदर एंटर होना था अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए। एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है भैया। पहले तो बैरन होटल आता है जहां आपको अंदर एंटर होना, ब्रिटिश आर्मी लगी है पहले स्टार्टिंग में, वहां पे बाहर 30 हज़ार आदमी हैं और सबके अपने पासपोर्ट दिखा के वहाँ एंटर होना है अंदर। तो वहाँ पर पहले तो हम 2-3 घंटे ऐसे ही पब्लिक के बीच में, डर लग रहा था, तो डर तो नहीं लग रहा था पर इनके कोई अटैक ये वो। फिर उसके बाद हमें लगा हमारा नंबर अभी नहीं है, फ्लाइट कुछ और जा रही है, तो हमें साइड में बैठने जाना चाहिए। 90 लोग थे, हम बैठ गए साइड में। तालिबानी घूम रहे थे वहाँ पे, गोलियाँ चल रही थी, लोग मर रहे थे जो धक्का मुक्की कर रहे थे, और कुछ धक्का मुक्की में मर रहे थे। लेकिन गोलियाँ क्यों चलाई जा रही थी? गोलियाँ ज़्यादातर ब्रिटिश चला रहे थे हवा में, कि थोड़ी पब्लिक पीछे हो, धक्का मुक्की आगे कर रही थी, वो भगदड़ में मर रहे थे 20-25 ये वो, और कुछ किसी को धोखे में लग रही। वहाँ गोलियाँ आप क्या समझते हैं, वहाँ गोलियाँ ऐसी चलती हैं, वहाँ हर छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चा भी वहाँ AK-47 चलाता है। तो 5-10 हज़ार लोग हमारी तरफ बढ़े, हम साइड में थे, तो 500-600 लोग हमारे बीच में बैठ गए जो लोकल थे। ब्रिटिश आर्मी ने हमें अंदर गए, अंदर चेकिंग हुई और वहाँ हम दो दिन रहे, क्योंकि इंडियन फ्लाइट तो आ नहीं रही थी, सिर्फ एक ही फ्लाइट आई। तो वहाँ हम मिट्टी में रहे, पत्थरों में रहे, खाना वगैरह वहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में पानी वगैरह दिया और बिस्किट वगैरह दिया उन्होंने, लेकिन खाना तो अपना ही पे करना पड़ेगा। आपको पता है फॉरेनर इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। फिर एक दिन हम रात को निकल रहे थे वहाँ से, लेकिन US आर्मी ने हमें इजाज़त नहीं दी। फिर हमने अपने डिप्लोमेट को कॉन्टेक्ट किया, अब हमारे डिप्लोमेट जा चुके थे कि हम ऐसे ऐसे यहाँ फंसे हुए हैं क्या करें। तो फिर डेल्टा वन इको ये हमारे वहाँ के डिप्लोमेट को जो सिक्योरिटी देते हैं उनके नाम है, वो अम्बेसडर ने भेजे कि उनको स्कॉट करके कैसे भी एयरपोर्ट में पहुँचाओ। वहाँ से एयरपोर्ट 5 किलोमीटर है, तो बीच में 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो बहुत पैनिक है, चारों तरफ हज़ारों ये लोकल पागलों की तरह वहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुराने दिन को अगर याद करते हैं, सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले तो मेरे को वही पैनिक माहौल याद आता है जब हम बिल्कुल बाहर सड़क पे थे और लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार हो रही थी, बच्चे मर रहे थे और हमें लग रहा था हम बस एक सेकंड में हमारे ऊपर भी अटैक हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि अफगानिस्तान से इसी वक्त आए हैं भारतीय फ्लाइट से। ये बताइए आपका नाम क्या है, वहाँ क्या करते थे आप? मेरा नाम दिल बहादुर है, मैं वहाँ सिक्योरिटी में काम करता था और मैं डेनमार्क एम्बेसी में प्रोटेक्शन में था उनके। तो यहाँ तक पहुँचने का क्या सफ़र रहा, कैसे वहाँ हालात? मैं सबसे पहले थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट और प्लस जो वहाँ पर ब्रिटिश
आर्मी और डेनमार्क आर्मी थी जिन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया और हमें एयरपोर्ट तक हमारे एयर तक बिठाया उसने, तो उनका मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, उनकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। वहाँ पे सड़कों पे क्या हालात है, क्या मतलब कंडीशन ऐसी कि वहाँ की पब्लिक कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी वहाँ जो ब्रिटिश वगैरह जो भी है उन्हें कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तालिबान किस तरह के मुश्किल, अभी तो फिलहाल मुश्किल नहीं, वो कहता तो है कि हम हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ये हालात हैं वहाँ पे।